असलम एवरी वन आज का हमारा टॉपिक जे एनियर चैप्टर नाइन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं तो इसमें हमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो कैरेक्टर है मैरी एन विल्सन का मैरी एन विल्सन का जो कि जेनियर की सेकेंड फ्रेंड है तो आप चैप्टर की एक्सप्लेशन स्टार्ट करते हैं तो जेनियर कि चैप्टर नाइन जो है वो इस तरह से स्टार्ट होता है कि जो लॉव वुड होता है उसमें बाहर का मौसम आ जाता है लेकिन इस मौसम के आने से जो खाने की चीज़ें या तमाम वेल बीस थिंग होती हैं वो कम हो गई अब उसके बाद जो ग्रोथ हो रही थी विद न्यू ग्रोथ तो उसकी वजह से उनको थोड़ी उम्मीद थी कि शायद ये हमारे ऊपर जो प्रोविशन प्रविश, का जो हमारे पास टाइम चल रहा है ये शायद कम हो जाए लेकिन जो जेनियर थी उसके जो नेचुरल यानी कुदरती दुनिया थी जो कि उसके इर्ट गिद लॉवुड जो था बेसिकली वो सराउंडेड था नेचुरल वाट से यानी वहाँ पे इर्ट गिद बहुत ज़्यादा सब्जा था हम इस तरह कह सकते हैं उससे वो घिरा हुआ था जिसकी वजह से उसकी जो खूबसूरती थी वो जेन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी एक एव खूबसूरती को इस तरह से डिफ़ाइन करती है कि दैट अ ब्यूटी दैट हैड बीन मॉस्ड बाय विंटर्स फ्रोस्ट वो ब्यूटी उसके सामने उभर के आती है स्प्रिंग में जो कि जो हम कह सकते सर्दी के मौसम में और बर्फ की वजह से छुप गई थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है लेकिन इसके आने के साथ साथ इस खुशी के साथ साथ वो अपने साथ कुछ दर्द भी लेके आती है अब जो इसके वजह से जो मतलब मौसम की तब्दीली के वजह से जो फॉरेस्ट था डेल वो उसके वजह से एक बीमारी थी जो बच्चों के अंदर आना शुरू हो गई और बच्चों बच्चों से बहुत ज्यादा बीमार शुरू हो गए द लॉ वुड इसको स्कूल का नाम फिर जो डिस्क्राइब या वैसे इसकी स्पेलिंग एल ओ डब्ल्यू डबल ओ डी इसको कंबाइन लिखा जाता है लेकिन उस बीमारी के आने के बाद से जो कंडीशन हो गई थी स्कूल की तो इस नावल में उस स्कूल का नाम लो वुड के तौर पर बताया गया जिसकी वजह से हर तरफ गीलापन महसूस होता था क्योंकि मौसम जब तब्दील होता है तो हम देखते हैं कि कुछ एक तरह की हबस या नमी सी आ जाती है हवा में तो उस तरह की नमी आना शुरू हो गई जिसकी वजह से बीमारी थी उसका नाम है टाइफस जो है वो बीमारी बच्चों के अंदर उभरना शुरू हो गई तो, तो मतलब हम कह सकते हैं इसमें नीम कहत भी पड़ पड़ गया था उस मौसम में और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को फ्लूज़ कॉल्ड वग़ैरह हो रहे थे और इसकी वजह से इस नमी की वजह से फोटी जो स्टूडेंट्स थे उस स्कूल के टोटल एटी थे उसमें से फोटी जो स्टूडेंट्स थे वो बीमार हो गए और ये बीमारी बहुत ज़्यादा ही डेंजरस बीमारी थी जो कुछ लोग थे जो मतलब ठीक थे जिसमें जेन भी शामिल थे उन्हें इस चीज़ की इजाज़त थी कि वो बाहर जाकर आराम से खेल सकते थे लेकिन जो बाकी बच्चे जो बीमार थे जो यानी वो फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स उनको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था ताकि वो जल्दी जल्दी सेहतमंद हो जाएं तो जो जीन थी उसने जो कॉन्ट्रास था इस चीज़ को बड़ा महसूस किया कि जो डेथ हो रही है स्कूल में उसको और जो ब्यूटी ऑफ मई है मतलब जो दरवाज़ों के बाहर निकल के जिसको वो ब्यूटी जो नज़र आती थी उसने इस चीज़ को बड़ा कंट्रास्ट किया इस चीज इधर हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ हसी चीज़ खूबसूरत होती है तो उसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ भी जरूर होती है जो पेनफुल होती है अगर हम बात करें मैं एक एग्जांपल से थोड़ा हट के दे देती हूँ लाइक अ फ्लावर ऑफ़ रोज़ देखिए जब हम उस खूबसूरत फूल को देखते हैं तो उसके साथ साथ हम उसके साथ लगे हुए कांटे भी देखते हैं उसकी खूबसूरती अपनी जगह लेकिन उन कांटों का दर्द अपनी जगह तो ये चीज़ जो जे एन एयर है महसूस करती है जो जेन एन एयर होती है वो अपनी दूसरी नई दोस्त यानी जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया मैरी एन विल्सन उसके साथ जो कुदरत होती है उसकी खूबसूरती के मजे ले रही होती है तो तभी उसको पता चलता है कि जो हैलन बर्नज है वो आहिस्ता आहिस्ता मर रही है टाइफस की वजह से नहीं लेकिन कंसेप्शन की वजह से वो उस मर रही है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो गया है जेन को पहले इस चीज़ का रियलाइज नहीं हुआ कि उसकी ये बीमारी इतनी सीरियस हो जाएगी लेकिन जब उसको स्कूल की एक नर्स है उन्होंने आगाह किया कि जो हेलन है वो जल्द ही मर जाएगी जो जेन है कि उसने महसूस किया कि उससे एक आखिरी दफ़ा जो हेलन है उसको एक दफ़ा गले लगा लेना चाहिए इस चीज़ को, उसको सुकून महसूस कर लेना चाहिए क्योंकि जब भी कोई दोस्त आपका बनता है तो जब आप उसको एम्ब्रेस करते हैं दर्जा वी कैन से देर द सेंस ऑफ लव एंड सेंस ऑफ comfort हम जो फ़ील करते हैं तो वो चाहती थी कि वो एक दफ़ा अपनी दोस्त को गले लगा लें तो जो थी जेन या थी वो चुपके से मिस टेम्पल्स के रूम में जाती है और वहाँ से हेलन जो होती है वहाँ पे उसको लिटाया गया होता है उसकी बीमारी की वजह से वो वहाँ पर उसको शिफ्ट किया गया होता है तो वो उसके पास जाती है अब दोनों दोस्तों के दरमियान भी एक आखिरी कन्वर्सेशन हो रही होती है तो हेलन इंसिस्ट करती है हेलेन अपने आप बहुत प्रिटेंड करती है कि वो बहुत खुश है लेकिन वो मतलब चाहती है कि अगर वो जब वो मर जाएगी तो मरेगी तो भी इस जो बीमारी है इससे भी इसको छुटकारा मिल जाएगा लेकिन वो उस चीज़ को इस चीज़ का भी रिगरेट है कि वो इतनी जल्दी मर रही है तो क्योंकि ये हर एक होता है क्योंकि अगर हम देखें अपने देखें या खुद को देख लें हम नहीं चाहते कि हम अभी मरें ये एक बहुत ऑब्वियस बात है और हम कहते हैं हम तो अभी यंग हैं हाउ कैन वी डाई वी आर यंग वी कैन हम ये कह देते हैं कि वो उस बंदे की एज से ज़्यादा वो मर सकता है ठीक है लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं बीइंग यंग तो वो कहते हैं हाउ कैन वी डाई बीइंग सो यंग सो ये चीज़ भी हेलेन के जहन में आ रही थी तो उसके बाद जो हेलन होती है वो भी हेलन जेनियर के बाहों में ही होती है कि वो दोनों सो जाती हैं और जो हेलन होती है वो मर जाती है उसे पता नहीं चलता लेकिन की डेथ हो जाती है फिर फिफ्टीन इयर्स लेटर जो जेन है वो हेलन की जो ग्रेव है उसको ग्रे मार्बल टेबलेट से लेबल करती है और उसके ऊपर लिखती है ठीक है क्योंकि जो जेन एयर होती है वो जानती है कि जो ये जो रिसर्गम है ये फ्रेंच वर्ड है इसका मतलब होता है आई विल राइज अगेन तो वो जो उसकी ग्रेव होती है उसके ऊपर ये चीज मतलब इंग्रेव करवा आती है तो दिस वाज़ द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नाइन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कोई भी आपके पास सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको यहाँ तक समझ आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू